हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मूवी में हम देखेंगे चार लोगों की सर्वाइवल स्टोरी। अर्थ पर टेम्परेचर काफी बढ़ गया है जिससे खाना और पानी खत्म होने लगा है और लोग एक दूसरे को खाने के लिए तैयार हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है साल 2016 में। सोलर फ्लेयर्स ने अर्थ के एटमोस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और धरती का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ गया है। इतनी तेज चमक और गर्मी में दिन के समय बाहर ट्रैवल करना खतरनाक है। यही हम तीन लोगों को अपनी कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। पता चलता है कि इनमें मैरी अपने बॉयफ्रेंड फिलिप और बहन लियोनी के साथ है। यहाँ हम देखते हैं कि गर्मी और तेज रोशनी से बचने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को पूरी तरह कवर किया हुआ है और सिर्फ इतनी जगह छोड़ी है जिससे वो सामने का रोड देख सके। फिलिप एक जगह गाड़ी में पेट्रोल डालता है और तभी वो एक पक्षी को देखता है। यहाँ हमें समझ आता है कि वो लोग पहाड़ों में एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ उन्हें पानी मिलने की उम्मीद है। आगे वो लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ फिलिप अंडरग्राउंड टैंक से पेट्रोल निकालता है और मैरी और लियोनी कुछ खाने का सामान ढूंढने जाते हैं। ये लोग पुरानी गाड़ियों, कैबिनेट्स और यहाँ तक कि टॉयलेट भी चेक करते हैं ताकि खाने और पीने का जुगाड़ कर सके। अचानक मैरी किसी आदमी को इनकी गाड़ी से सामान चुराते देखती है। वो और फिलिप उसके पीछे भागते हैं और देखते हैं कि वो उनका काफी सारा राशन लेके भाग गया है। तभी उन्हें लियोनी के चीखने की आवाज आती है। जाकर वो देखते हैं कि उस आदमी ने लियोनी को पकड़ रखा है। फिलिप किसी तरह लियोनी को बचाता है और उसे मारने लगता है। तभी वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम टॉम है और उसके पास काफी सारा पेट्रोल है। वो लोग खाने के बदले उससे पेट्रोल लेते हैं। टॉम उन्हें बताता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी गाड़ी का हीट पाइप खराब होने वाला है। यहाँ फिलिप को पता चलता है कि टॉम एक मैकेनिक भी है और वो रास्ते में उनकी मदद कर सकता है। इस तरह वो टॉम को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे चलने पर वो देखते हैं कि रास्ता बंद है और वहाँ एक लोहे का बैरियर लगा हुआ है। वो लोग उसे हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हटा पाते। उन्हें आइडिया आता है और वो लोग गाड़ी की मदद से बैरियर हटाकर रास्ता बना लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ खाई में एक गाड़ी पलटी हुई दिखती है और उसे चेक करने फिलिप और टॉम नीचे जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसमें उनके काम की कोई चीज हो सकती है। गाड़ी के टैंक में उन्हें पेट्रोल मिलता है और वो लोग उसे निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। वो लोग मैरी को एक खाली कैन नीचे लाने को कहते हैं ताकि एक्स्ट्रा पेट्रोल निकाल सके। मैरी कैन लेकर नीचे की ओर बढ़ती है। इधर लियोनी को गाड़ी के बाहर एक अनजान आदमी दिखता है और वो इसकी खबर रेडियो से टॉम को देती है। इससे पहले कि वो कुछ कर सके उन्हें लियोनी की चीख सुनाई देती है और पता चलता है कि वो आदमी लियोनी को किडनैप करके ले गया है। भागते हुए मैरी गिरती है और एक पेड़ से टकरा कर बेहोश हो जाती है। जागने पर उसे बैरियर के पास कुछ आदमी दिखते हैं। इससे पहले कि वो कोई आवाज करे टॉम वहाँ आकर उसे बताता है कि वो लोग गाड़ी और लियोनी दोनों को ले गए हैं। तभी फिलिप भी उन्हें मिल जाता है और वो लोग रेडियो से लियोनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिग्नल ना होने की वजह से टॉम एक बड़े से टावर पर चढ़ जाता है। तब वहाँ उसे दूर एक जगह कुछ धुआं दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं कि ये वही लोग हैं। वहाँ जाकर देखने पर उन्हें कुछ लोग बंधे हुए दिखते हैं जिनमें लियोनी भी है। टॉम को आइडिया आता है। वो पेट्रोल और खाली बोतल से एक मोलोटोव बम बनाता है ताकि उससे उन लोगों का ध्यान भटका कर वो लियोनी को बचा सके। वो मैरी को गाड़ी में भेजता है ताकि वो गाड़ी को भगाने के लिए तैयार रखे, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है और वो लोग टॉम को वहीं पकड़ लेते हैं। तभी छुपा हुआ फिलिप भागकर गाड़ी में आता है और मैरी को वहाँ से चलने को कहता है। उसके बहुत जोर देने पर ना चाहते हुए भी मैरी को गाड़ी चलानी पड़ती है। इसी बीच उन लोगों से बचते हुए फिलिप के पैर पर चोट लग जाती है। आगे वो मैरी को लियोनी और टॉम को भूलने के लिए कहता है और उसे आगे चलने के लिए मजबूर करता है, लेकिन मैरी उसकी एक नहीं सुनती और कुछ सामान लेकर अकेले ही लियोनी को बचाने निकल पड़ती है। वो उस जगह वापस आती है और देखती है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। फिलिप को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी उसके पीछे आता है और अपने किए की माफी मांगता है। वो उसे अपनी जैकेट देता है और बताता है कि पैर में लगी चोट के कारण वो इससे आगे नहीं जा सकता। मैरी उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ती है और थोड़ी दूरी पर उसे उन लोगों की रेल कार दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि ये लोग आसपास ही हैं। वो उन्हें ढूंढते हुए एक चर्च में आती है। थकी होने के कारण वो वहाँ आराम करने लगती है, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत एलिजाबेथ वहाँ आती है। वो उसे पानी पिलाती है और यकीन दिलाती है कि वो उसकी बहन को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। रास्ते में वो उसे बताती है कि कैसे गर्मी के कारण सारी फसलें बर्बाद हो गई और उन लोगों को अपने जानवरों को भी मार के खाना पड़ा। आगे एलिजाबेथ मैरी को लेकर अपने फार्म पर आती है और उसे एक रूम में रेस्ट करने को कहती है। मैरी उसे फिलिप के बारे में बताती है, जिस पर एलिजाबेथ
एलिजाबेथ कहती है कि उसका बेटा जाकर फिलिप की मदद करेगा। रात को मैरी को रेडियो पे कुछ आवाज आती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे लियोनी वाला रेडियो दिखता है जो एलिजाबेथ के बेटे के पास है। तभी वहाँ उसे कुछ आदमी फिलिप को पकड़ कर एक कमरे में ले जाते हुए दिखते हैं। वो समझ जाती है कि ये वही लोग हैं और वो खुद भी उनके बीच फंस गई है। उसे वहाँ लियोनी भी दिखती है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए एलिजाबेथ वहाँ आकर उसे शांत करती है। वो बताती है कि जानवरों के खत्म होने के बाद इंसानों को खाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन उन दोनों बहनों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उनकी शादी अपने बेटों से कराना चाहती है ताकि उनका वंश आगे बढ़ता रहे। एलिजाबेथ लियोनी को भी उसी के कमरे में कैद कर देती है, जहाँ लियोनी उसे बताती है कि टॉम को भी नीचे तहखाने में कैद किया हुआ है। वो दोनों अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाते हैं ताकि खिड़की के रास्ते वहाँ से बाहर भाग सके, लेकिन तभी एलिजाबेथ का बेटा मिका वहाँ आ जाता है। मैरी उसे सिड्यूस करती है और उसका ध्यान भटकाकर उस पर हमला करती है। मिका संभल जाता है और मैरी को मारने की कोशिश करता है, तभी लियोनी पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर देती है। आगे मैरी किसी तरह लियोनी को खिड़की से नीचे उतारती है, लेकिन रस्सी टूट जाती है। वो उसे झाड़ियों में जाकर छुपने को कहती है और खुद एलिजाबेथ की एक ड्रेस पहनकर नीचे आती है। इससे पहले कि वो भाग पाए एलिजाबेथ वहाँ आ जाती है और उसे अपनी फैमिली से मिलाती है। वहाँ वो लोग उसे इंसानी मांस खाने को कहते हैं, लेकिन मैरी मना कर देती है। तभी मिका भी होश में आ जाता है और वो लोग मैरी को पकड़ कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ वो उन लोगों को फिलिप को मारते हुए देखती है। पास में पड़ी एक जैकेट से चाकू निकाल के वो खुद को फ्री कर लेती है और एक खिड़की के रास्ते से उस रूम से बाहर आ जाती है। अब उसके सामने रास्ता साफ था, लेकिन कुछ सोच कर वो टॉम को बचाने वापस फार्म में आ जाती है। वहाँ उसे कमरे में काफी सारे लोग कैद मिलते हैं जिनमें टॉम भी है। वो टॉम के साथ मिलकर उन सभी लोगों को आजाद कराती हैं और वो सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं। एलिजाबेथ के लोग भी उनके पीछे आते हैं और उनमें से काफी लोगों को दोबारा पकड़ लेते हैं। टॉम यहाँ मैरी को एक आदमी से बचाता है और उसे जंगल में लियोनी को ढूंढने के लिए कहता है। मैरी जंगल में लियोनी को ढूंढती है और एक जगह उसे एलिजाबेथ और मिका दिखते हैं जिन्होंने लियोनी को पकड़ रखा है। एलिजाबेथ मैरी को फिर से अपने साथ आने को कहती है ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन मैरी फार्म से चुराए एक हथियार से उसे मार डालती है। मिका यह देखकर अपनी माँ की मौत का गम मनाता है और मौका देखकर मैरी और लियोनी वहाँ से भाग निकलती हैं। आगे हम देखते हैं कि टॉम भी किसी तरह बचकर उनके पास आ पहुँचा है और उन तीनों को पहाड़ों में पानी भी मिल गया है। ऊपर आसमान में उन्हें कुछ पक्षी दिखाई देते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो अपनी मंजिल के करीब हैं। वो लोग आगे दिख रही पहाड़ियों को देखते हैं जहाँ उन्हें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद नजर आ रही है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।